कि कयास लगाए जा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी इस नगर परिषद बैसोदा के चुनाव में मानी जा रही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और इसी के साथ बीजेपी 8 मतों के साथ विजयी हो चुकी है। बीजेपी ने अपना अकल्पनीय चेहरा जो है, जो असंभावित चेहरा था, वो अजय पौराणिक को बनाया था और उसी के साथ अध्यक्ष जो है, पहला नगर परिषद अध्यक्ष बैसोदा का है, वो अजय गायत्री अजय पौराणिक बन चुकी है। एक निर्दलीय जो थे राजा बाबू, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया है ऐसा माना जा रहा है। उसी के साथ जो है त्रिलोक सुमित त्रिलोक पाटीदार को 3 मत मिले हैं, वहीं अंशुल 4 मत मिले हैं और वहीं अंशुल राज पाटीदार को 3 मत मिले हैं। और पहला नगर परिषद अध्यक्ष बैसोदा का जो है वो गायत्री अजय पौराणिक बन चुकी है। जिस तरह से आप मेरे पीछे माहौल पूरा का पूरा देख सकते हैं, किस तरह से नारेबाजी हो रही है, लोग नारे लगा रहे हैं और उसी के साथ जो है बीजेपी कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साह के साथ। कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि एक बार पूरा का पूरा नजारा वो दिखाएं। जिस तरह से पूरे ही जिले में नगर परिषद बैसोदा का चुनाव ऐतिहासिक और रोचक माना जा रहा था और उसी के साथ क्रॉस वोटिंग के नतीजों के साथ बीजेपी जो है वो 8 मतों के साथ अपना बोर्ड बना चुकी है। हमारे साथ बीजेपी के जो एक पार्षद है वो भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। बीजेपी 8 मतों के साथ अपना बोर्ड बना चुकी है, दो अध्यक्ष और दावेदार है, कहीं ना कहीं अल्पकल्पनीय जो चेहरा है बीजेपी ने घोषित किया और उसके बाद जो है गायत्री अजय पौराणिक जो है वो बीजेपी से जो है चेयरमैन बन चुकी है, पहली नगर परिषद की पहली अध्यक्ष बनी है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि सभी कार्यकर्ता अंतिम व्यक्ति को लेकर साथ चलती है, इसलिए गायत्री पौराणिक का नाम आया है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं देखा और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, विकास की गंगा बहाना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप पूर्व सरपंच है, आपके जो है पत्नी जो है वो भी जो है पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा, उन्होंने आज वोटिंग भी की है और बीजेपी ने अपना बोर्ड बनाया है, अकल्पनीय चेहरा कहने का सामना निकल गया है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने आज ये कथनी और करनी में अलग अलग नहीं है, ये बताया है कि किसी भी छोटे से व्यक्ति को बड़े से बड़े पद पर हम बिठा सकते हैं। हमारे पास जाति भेव धर्म भेव कोई कुछ नहीं है और सबसे बड़ी बात आप देखिए आज जो मैं स्थिति देख रहा हूँ, जिस तरह से श्री कृष्ण ने से सुदामा ने कुछ मांगा था उसी तरह से हम लोगों ने आज एक ब्राह्मण को ये राजपाट दिया है। तो देखा आपने कि जिस तरह से पूर्व सरपंच जो है श्याम गुजर ने बताया कि कथनी और करनी में बीजेपी के बिल्कुल भी अंतर नहीं है और एक ब्राह्मण को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है नगर परिषद अध्यक्ष बनाया है, लगातार जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बैसोदा नगर परिषद का पहला अध्यक्ष बन चुका है, पहला अध्यक्ष अजय पौराणिक जो है बीजेपी का बोर्ड जो है बना चुकी है और इसी के साथ आप लगातार बने रहिए क्योंकि उपाध्यक्ष चुनाव अब कुछ ही समय में होने जा रहे हैं, तब तक के बने रहिए इसके मीडिया के साथ। कैमरामैन अर्जुन मेहरा के साथ।